बंगाल विधानसभा चुनाव के नजदीक आते आते पार्टियों के बीच सीटों पर सेंध लगाने की होड़ तेज हो गई है और यह होड़ इस वक्त सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटर्स के लिए लगी है। बंगाल में लगभग 100 से 110 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं का बोलबाला है, ऐसे में वो बंगाल की पूरी राजनीति को बदल सकते हैं। इन्हीं मुस्लिम वोटर्स को ममता दीदी अभी तक टीएमसी का वोट बैंक मान रही थी, लेकिन अब उनके जुनून को गलतफहमी में बदलने के लिए पीरजादा सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट, वाम दल और कांग्रेस ने पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन ये खबर ना सिर्फ ममता दीदी के लिए चुनौती पैदा कर चुकी है, बल्कि इस खबर से AIMIM मुखिया असदुद्दीन ओवैसी को भी तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि वो तो पीरजादा की बदौलत बंगाल की राजनीति में शानदार एंट्री का ख्वाब देख रहे थे, पर यहाँ तो पीरजादा ने ओवैसी से ही फिरकी ले ली। हालांकि अभी भी ओवैसी बंगाल चुनाव लड़ने की तैयारी में है और अपने उम्मीदवार भी उतारने वाले हैं, लेकिन इस बात से ओवैसी को राहत जरूर मिल सकती है कि जहां ओवैसी अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे वहां पीरजादा की पार्टी से कोई उम्मीदवार नहीं उतारा जाएगा। पर ओवैसी यहां शायद ये भूल रहे हैं कि अब ओवैसी का मुकाबला सिर्फ पीरजादा से नहीं है, बल्कि कांग्रेस और वाम भी ओवैसी की चुनावी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। ऐसे में वाम और कांग्रेस ओवैसी के लिए एक चुनौती है, लेकिन अगर इन तीनों चारों दलों का लक नहीं लगा तो यह ममता दीदी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। पर मालूम हो कि बंगाल के इस चुनावी रण में भाजपा भी पूरे दमखल के साथ पार्टी का जोश दिखा रही है, जो ममता दीदी के लिए कितना चुनौती भरा हो गया है ये तो टीएमसी में इस्तीफों के दौर से ही पता चल रहा है। लेकिन साथ ही इन तीन चार दलों के लिए भाजपा के सामने अपनी किस्मत आजमाने का भी कोई खासा फायदा होगा नहीं, क्योंकि दिन पर दिन भगवा दल इन सभी दलों की हर एक सीट पर सेंध लगाने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। ऐसे में बंगाल के इस चुनावी घमासान में मुकाबला इस वक्त भाजपा बनाम टीएमसी भी ना रहकर भाजपा बनाम 4 से 5 दल हो गया है। इसलिए निश्चित तौर पर भाजपा की जमीनी ताकत का असर परिणामों में जरूर नजर आएगा, जो ममता और ओवैसी समेत गठबंधन के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।